यस, अब और कौन को बताना चाहेगा? हितेश जी, गर्विता जी, एक मिनट अनम्यूट करिए गर्विता जी। सर, हाँ मेरी बोलिए। भाई की बेटी, मेरी भतीजी, उसके उसका डेस्टिनी ड्राइवर 7 है और कंडक्टर 3 है। ड्राइवर 7, कंडक्टर 3। हाँ, ओके ओके। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एमबीबीएस, और उसके उसमें 111 और 7 है और 362 है। 362 है, 117, यानी लक यस फैक्टर इज देयर, सर, एंड 3 एंड 1 है तो वो पर्सनालिटी मेल वाली डायनेमिक वाली भी है। यस यस, वो वे बहुत ब्लंट है, किसी को भी कुछ भी बोल देती है। हाँ, ये तो डॉक्टर बनने दो, फिर वो पेशेंट की देखो क्या बैंड बजाएगी, दे धन धना हाँ धन। सर, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। अभी उसको मतलब अभी जब उसने प्रिपेयर किया था तो उसको अच्छे मार्क्स आए थे एमबीबीएस में, बट उसको ओके। गवर्नमेंट कॉलेज जो उसको चाहिए था वो नहीं मिला, तो उसने वापस से सेकेंड टाइम वापस से प्रिपेयर कर रही है वो। अच्छा, ओके। हाँ, हाँ, मतलब उसको इजीली है कि गिव अप मुझे, नहीं है ना, 7-1 है ना, बाउंस बैक हाँ तो छोड़ेंगे नहीं। छोड़े, उसने बोला है कि मैं अपने दम पे, मेरे को मतलब अच्छे कॉलेज में ही करना है, मुझे छोटे मोटे कॉलेज में नहीं करना है और बराबर, पैसा नहीं लगाना है, ऐसा है उसका हाँ मन था। बराबर है। आप और इनके 159 ऐसा ग्रिड में आता है क्या लोशू के हिसाब से भी? सर 159, एक मिनट सर मैं देखती हूँ। नहीं सर, हाँ 5 नहीं आता है इस केस अच्छा, में। 5 नहीं आता। ओके। बट सर ये 7 और 3 है, तो ये रिसर्च, इसको तो बोला भी है कि रिसर्च में जाएगी तो बहुत अच्छा करेगी, बिकॉज शी इज वेरी गुड इन केमिस्ट्री। हाँ, रिसर्च एंड 3 इज ऑल्सो देयर ना, तो यस स्टडीज और टीचिंग है ना, हाँ एमबीबीएस करके में भी तो, या साइड में थोड़ा सा वो भी चालू रख के, तो वो नंबर का ग्रिड यूज कर सकते हैं। राइट सर। और सर एक और है जिसका 319 है और 6 है, शी इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द एमबीबीएस ओनली, अच्छा, पर बट शी ये आपके आपके नंबर वाली से ये नंबर तो पूरा डम डमा डम मेल फैक्टर होगा। है, फुल हाँ मेल फैक्टर है। और सर हाँ इसका ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 6 है। ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 6 हाँ है, तो तो इसको, चलो 6 है तो वो दिखते भी अच्छे होंगे, तो हाँ यानी ये सर, एमबीबीएस के साथ है ना, एक्टिंग के लाइन में भी जा सकते हैं। हाँ उसको उसको बोला कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन जा तो तेरे लिए ज्यादा अच्छा हाँ, कॉस्मेटो, रहेगा। यस, दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, 319 राइट विद सर, 6 का। राइट सर, उसको वही बोला जा रहा है कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन जाओ बिकॉज यू लाइक ओनली लग्जरी, हाँ, बिकॉज एक्चुअली एंड उसको, आवर ग्रिड सेज दैट। उसको किचन में कोई काम नहीं, उसके अंदर मेल फैक्टर ही ज्यादा है। नहीं, इसको ऐसा किचन में काम देके काय को डायलॉग हाँ करना है। राइट, हाँ एंड शी इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन ऑल्सो सर, ऐसा नहीं है। हाँ अपन 6 नंबर है, हार्श पीस है, वो स्पॉट स्पोकन लगते हैं, अपन टाइम आने पे है ना, सामने वाले की बैंड बजा देंगे। राइट राइट, और होता होगा ऐसा, एक तो 6 है विथ 319 है, तो हाँ इसके राइट साथ अगर कोई भिड़ गया ना, तब तो पता चलेगा कितने सॉफ्ट स्पोकन है। सर, लोगों को कन्विंस करना इसको अच्छा आता है ना, मेन ये है इसके अंदर। हाँ, बिकॉज ऑफ 6 है ना, तो वो सामने वाला डाइल्यूट हो जाता है पूरा। डायल्यूट हो जाता है, राइट सर। तो हाँ बोथ आर डूइंग फॉर एमबीबीएस, तो बट सर दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छी है ऐसे बोले तो। गुड गुड, पढ़ाई में अच्छा तो आज के तारीख में तो होने ही चाहिए बंदे। राइट, हाँ एंड द फर्स्ट वन इज अ 3, 7 और 3, जो आपने बताया था कि गुरु और दोनों चीज का है, केतु का है, तो वो तो मतलब गुरु मतलब पूरा पावर ही उनके पास पढ़ाई का ही है, टीचिंग पावर हाँ, ही उनके पढ़ाई के पास। साथ थोड़ा रिसर्च और पढ़ाई, हाँ रिसर्च और पढ़ाई, ये दो चीज रहेंगे तो वो ग्रिड उनका एक्टिवेटेड ही रहेगा फिर। राइट राइट सर, जी सर। बट और सर आपका ग्रिड बताओ, फैमिली का मेरा और स्टोरी वाला बताओ कुछ सर, ऐसा। मेरे मेरे हस्बैंड को और मेरा अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भिड़ने वाला है। वो बोलो। 111 और 88 और 9, ओके, और मेरा 319 177 8, वन जो कि डबल बारी में ही सेवन पढ़ती एट हूँ। ओके हाँ पर आपका तो 319 वैसे ही स्ट्रॉन्ग मेल नंबर्स है उसमें मेन। हाँ हाँ, और और इनका भी आप 117 78 है। हाँ, तो ये भी यानी लक फैक्टर नहीं, पर इनका 178 का ग्रिड बन रहा है, तो लक हाँ फैक्टर वाला नहीं है, इनका अलग ग्रिड बनेगा वो फिर। राइट, और 9 है। हाँ, 9 है तो मेल पर्सनैलिटी 19 के कारण आई जाती है। राइट, एंड ओके। माय डॉटर इज 2 8 44 और 7 और 5। हाँ, 2844, तो ये हाँ आपका वो अप एंड डाउन वाला नंबर है यहाँ पे ये, हाँ राइट सर, अप एंड डाउन वाला नंबर तो है ऐसी कोई स्टोरी उनकी मालूम है तो शेयर करो। सर। अभी तो 17 इयर्स की है, अभी अच्छा, तो जो पर वो फिर बोलती है भी ऐसा इमोशनली कुछ अप एंड इम्पैक्टेड डाउन वाला कुछ तो हुआ होगा ना लाइफ में, कुछ भी सर, नहीं। पढ़ाई में अप डाउन चलते हैं। यस हाँ वही, डेफिनेटली, कुछ भी कि कहीं थोड़ा एकदम पासिंग आया और फिर एकदम अच्छा आया, ऐसा भी हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई में अप डाउन होते हैं बिकॉज हाँ स्टेबिलिटी नहीं है सर, वो मतलब जैसे बोला जी बहुत फोकस नहीं होती है।
यानी एक बार सिर्फ 35% आएंगे और एक बार सीधा 75% आएंगे। हाँ एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। हाँ फोकस, अगर फोकस होके करेगी तो बहुत अच्छा करेगी। फोकस वो मन मचलता रहता है ना वैसा नहीं, पर वाला वो है। तो उनको तो माउंटेन वाले एरिया में ही घूमना है ना, 284 हाँ तो बिल्कुल उनको सीधा रास्ता पसंद ही नहीं आएगा कभी भी। वो सीधा रास्ता मिलेगा तब भी वो पुणे वो माउंटेन वाले एरिया से ही जाएंगे, हाईवे से नहीं जाएंगे। हाँ, पर ड्राइवर 7 है और कंडक्टर 8 है सर। हाँ तो अभी 7 और आ गया तो और बढ़ गया फिर ना, और 8 है तो वो शांति है ना, स्ट्रगलिंग वाला ही लाइफ चाहिए। यानी इनको वैसे ही लाइफ में फ्लो में जाना चाहिए, ये सीधे वाले सिस्टम में जाएंगे तो इनका काम नहीं होगा। बिल्कुल सर। और 44 है सर। डबल 4 इज गुड नाउ, है ना, यहाँ पे एक सिंगल ना होके डबल 4 है तो दैट इज वन पॉजिटिव फैक्टर फिर यहाँ पे। एंसर लो शुभ रेट में 258 बनता है हाँ फिर तो अच्छा पैसा बना के है ना, अच्छा काम कर सकते हैं ये। सर। हाँ पता नहीं सर, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे या नहीं नहीं पति और को आपको तंग डाउट ही करोगे। नहीं रखना है उनको, हाँ आपको उस लेवल पे तैयारी करना है कि वो करे। बस इसके बस लिए तो हमको ये बिल्कुल सीखना है ना कि बिल्कुल नाउ सर। जो दिख रहा है तो उस हिसाब से उनकी धीरे धीरे तैयारी करो, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। यस एनी वन एल्स टू शेयर, ये बताइए तेज सर जी। मेरा एक कजिन है। हाँ एक मिनट सचिन जी। हाँ बोलिए तेज जी। यस सर, माइन इज 4 एंड 5। ओके, आई हैव 9, 55, 44 एंड 22। 9, 55, 44 एंड 22, यानी आपके पास वो 2 एंड 4 इंफीरियर सुपीरियर का है। दैट इज देयर, बट हाँ ऑफ कोर्स इंफीरियर सुपीरियर आई थिंक इट वाज देयर लॉन्ग बैक, नाउ आई डोंट फील आई हैव दैट वन। हाँ वो जरूर नहीं है, होगा ही, पर कभी ना कभी वो था। या इट वाज देयर, हाँ हाँ एंड देन 9, 54 इज देयर, सो आई एम ऑलराउंडर आल्सो बिकॉज ऑलराउंडर चेंज आल्सो। मेनी ट्रैक्स, यू नो आई वाज इन प्रोडक्शन देन कम टू मैनेजमेंट साइड देन चेंज ओवर टू द यू नो आईटी मैंने इंडस्ट्री। टोटली अलग ही पैटर्न है आपके लाइफ का, यानी मिक्स। मिक्स पैटर्न, सो एंड मोर और लेस आई एम सक्सेसफुल इन ऑल द ऑल हाँ ओके गुड गुड। सो दिस इज वन एंड वन ऑफ द माय फ्रेंड और कलीग हाँ ही हैज अ 4 एंड 2। 4 एंड 2 ओके। ही हैज 1754 एंड 4 टाइम 2। 1754 एंड तो 1-7 एंड लक फैक्टर है उनका, बाउंस लक बैक इन लाइफ। फैक्टर तो कोई स्टोरी आपको ऐसी एंड उनकी, सॉरी एनी स्टोरी अबाउट वो लक फैक्टर बाउंस? नहीं लक फैक्टर बिकॉज ही इज डीलिंग इन स्पेकुलेशन स्टॉक मार्केट एंड ही इज अर्निंग गुड एज ऑन नाउ, नॉट ओनली इन ओके इंडिया बट ही इज इन्वेस्टिंग इन अब्रॉड आल्सो। अच्छा ओके। ओके दैट इज तो वन। उनका नो लक फैक्टर ही काम कर रहा है अच्छी तरह से। सेकंड सेकंड थिंग वो आई कैन से इज अ चलता पुर्जा, यू नो चलता इज अ चलता पुर्जा, ओके, यानी व्हाई? सो यू नो यू वांट टू गेट द थिंग्स देन गो किसी भी तरह से यू नो ही विल गो देयर एंड गेट इट डन। ओके अच्छा, साम दाम डन वेड, यू नो ऑल द थिंग्स। यानी वो लक फैक्टर को पूरा यूज कर रहे हैं इन एवरी मैनर। या आई थिंक सो एंड ही स्टार्टेड हिज कंपनी इन द यूएस एंड बट ही इज स्टेशन इन इंडिया, ओके, तो सो ही फिर वहां पे वाज कौन देखता है यूएस में? ही हैज केप्ट वन स्टाफ देयर। ओके, तो वहां पे वो क्या कंपनी में क्या करते हैं, यानी व्हाट ही डज? नहीं ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट ही इज रनिंग हिज ओन कंसल्टिंग फर्म, बॉडी अच्छा, ओन कंसल्टिंग फर्म। शॉपिंग। ओके ओके, तो ओके दैट ही कैन डू फ्रॉम मैनेज फ्रॉम हियर इटसेल्फ। इज मैनेज्ड फ्रॉम हियर, सो गुड। तो इनका और भी होगा नेम नंबर वगैरह जब हम और ऐड करेंगे तो वो हाँ नंबर्स और निकल के आएंगे कि हाउ ही इज एबल टू डू ऑल दिस इन मच बेटर वे। एंड वन मोर गुड थिंग इज ही इज वेरी शार्प मेमोरी, और यू कैन से वंस ही रीड्स एनीथिंग ही रिमेम्बर्स, यू नो रिमेम्बर्स। ओके, आएगा, शार्प मेमोरी के भी योगाज है हमारे, तो वो शायद मेबी इनके बिकॉज चार्ट ऑफ में लोशन होगा। ग्रेड आल्सो आई थिंक ही हैज दैट यू नो 492। 492 ओके, इंटेलिजेंस का है उनका बट उसमें। ही इज ट्रिपल टू 4 टाइम 2 ही हाँ वो टू, सक्सेसफुल। यानी इमोशनल फैक्टर उनका डाइल्यूट हो रहा है ना, तो दैट इज ओके। नहीं बट आई वो कहीं ना कहीं उनके ग्रिड में नहीं एक्टिव है मेरे ख्याल से इतना। नहीं बट ही आई थिंक ही इज वेरी इमोशनल आल्सो, इमोशनल इन द सेंस इफ सपोज समबडी सेज नो टू हिम ही टेक्स टू हार्ट, यू नो दो ही हैज रीजन, समबडी एल्स टू से नो ही इज अ रीजन आल्सो बट ही लिसन टू दैट रीजन। ओ वो थोड़ा दादागिरी वाला फैक्टर है। हाँ, सो दैट्स इट। ही हैज 2 एंड 4 बट नॉट एट, सो आई डोंट फाइंड एनी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स इन हिम हाँ सर। ठीक है ना, सुपीरियरिटी का है ना कि सुपीरियर कोई भी काम करा के लेना ही है, आप समझे? सी जरूरी नहीं है दोनों होंगे, वो एक तो है ही ना कि भाई मेरे को ना तो कोई बोल ही नहीं सकता, काम करना है ने करवाना ही है, करेक्ट करेक्ट तो ओवर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उधर। या दैट इज ट्रू। हाँ, और वो 4 नंबर इनका है ना वो राहु का, हाँ है ना, खाओ मेरा काम नहीं होगा,
करना ही है। सर मेरे को ये बताइए, सर मदर फादर का चार्ट अपने साथ में काम करता है? चांसेस है ना, करेगा, क्यों नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि सर अगर जैसे आज हमारे बच्चे हैं या हम, तो उनकी प्रॉपर्टी तो हमें ही मिलती है। आज मेरे मेरी जो हमारी इसके जो लिए बहुत बार है ना, विदाउट इवन इन योर चार्ट 258 नहीं होगा, फिर भी आपको इनहेरिटेंस में चीजें मिलती है ना। यस एग्जैक्टली सर, हम वही पूछना चाह रहे थे। वो मिलता है ना, बिकॉज क्या होता है ना, हमारी अकेली की ग्रिड नहीं होती है हमारे घर में, जो हमारे साथ लोग रहते हैं उनकी ग्रिड सारी है ना, वो एनर्जीज मिक्स होके उनका भी लक फैक्टर हमको मिलता है। इसके लिए तो हम दो लोगों का चार्ट मिक्स करके क्यों बिजनेस में या रिलेशनशिप के लिए बोलते हैं, देखो। अच्छा। ताकि जो मैं मिस कर रहा हूँ तो मुझे उसके चार्ट से मिले, तो जो ऑटोमेटिकली घर पे लोग है तो उनके चार्ट का भी बेनिफिट मिलता ही है ना। इसलिए जो है ना बड़ी फैमिलीज में लोग रहते हैं ना, वहां पे आप देखेंगे लोग जल्दी से है ना लॉसेस भी हो गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बाकी की ग्रिड है ना वो टेक ओवर करके उनका काम हो जाता है। लेकिन वही इंडिविजुअल जब लोग हो जाते हैं तो थोड़ी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि सपोर्टिंग फैक्टर नहीं रहता। यस सर, मतलब जैसे आज हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे बच्चों को ही जाएगी, तो इनहेरिटेंस में उनको तो मिल ही गई वो चीज। तो आपके चार्ट्स के 258 उन पे काम कर लेती है ना तभी, फिर बिकॉज वी आर टूगेदर ना, सी व्हाई वी टेक टू पीपल है ना, कि मैचिंग करने के लिए, रिलेशनशिप के लिए, बिजनेस के लिए, कि जो मेरे में लैकिंग है उससे मुझे मिले। तो ऑलरेडी आपके में जो है तो आपके बच्चे को तो वो ऑलरेडी फ्री में मिल ही वाला ही है ना। हाँ सर, यस्टरडे आई सॉ वन चार्ट इज अराउंड, उसके उसमें 4-2 है और एक बार दो, 4 या 5 तो 2 है, 2 है और 1, 1, 4 है बस, और कुछ भी नहीं था चार्ट में। बट फादर इज अर्निंग अ हैंडसम मनी। हाँ, सो हिज चार्ट इज नॉट एक्टिव बेसिकली बिकॉज ऑफ हिज फादर। हाँ, इस केस में आप उनका फादर का चार्ट देखेंगे उसके कारण, जब उनके फादर निकल जाएंगे और फिर इनका चार्ट एक्टिव होगा और फिर आपको एक्चुअलिटी मालूम पड़ेगी उनकी क्या हो रही है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो मिला ना दे धनाधन कुछ सालों में सब खाली भी कर सकते हैं।